हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 3, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। तो बच्चों, अपन पाठ 3 का संपूर्ण हल देखेंगे और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ओके बच्चों, चलिए आइए अपन देखते हैं पार्ट 3, ईश्वर चंद विद्यासागर। इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, ईश्वर चंद दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? इसका आंसर आप लिखो ए वाला, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 2, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर है बी परा। प्रश्न नंबर 3, उपसर्ग का सही प्रयोग है ऑप्शन ए प्रगति में। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर चंद को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी, किसकी उपाधि दी? ऑप्शन डी विद्यासागर की। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? इसका सही आंसर है बी भूखे प्यासे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, अपन को उचित शब्द रिक्त स्थान में भरना है। जैसा कि प्रश्न नंबर 6 में मैंने दिया है, ईश्वर चंद का मन पढ़ने में बहुत लगता है। अगला प्रश्न है, युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका श्री राम शर्मा द्वारा निकाली गई। 8वां प्रश्न है, परिश्रम पूर्वक शब्द में पूर्वक प्रत्यय। और प्रश्न नंबर 9, दर्शन शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय शब्द बनेगा। अगला है, ईश्वर चंद ने अंग्रेजी के अंकों की सीख मील के पत्रों से ली। अब अपन देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जिसका कि अपन को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ईश्वर चंद के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? इसका आंसर है, ईश्वर चंद के पिताजी ने जीविका के लिए श्री जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 पैसे की नौकरी की। प्रश्न नंबर 12, प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रशंसा का विलोम क्या है? निंदा। अब 13वां वाला देखिए आप, ईश्वर चंद को आत्मसुख कब मिलता था? उत्तर में आप लिखिए, ईश्वर चंद को आत्मसुख दीनहीन गरीबों की सेवा और सहायता करने में मिलता था। 14वां वाला है, गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो गति में अपन ने प्रा लगाया तो क्या हो गया? प्रगति। चलिए अब आप देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ, पत्थर, पाषाण, पाहन, शिला, रात, रात्रि, निशा, रजनी, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 है, आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो आप लिखो, हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा के शब्दकोश पढ़ेंगे और पुस्तक का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 17, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद विद्यासागर क्या करते थे? उस समय विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। 18वां प्रश्न देखिए, दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक होर्डिंग बोर्ड दिया गया है, इनको देख के अपन को प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है? तो आप लिखिए, पल्स पोलियो अभियान के बारे में। बा, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति के
संदेश को स्पष्ट कीजिए। बच्चों को दो बूंद पोलियो की अवश्य पिलाएं ताकि हम जीत जाएं पोलियो से। पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? उत्तर में आप लिखें 0 से 5 वर्ष से कम बच्चों को पिलाई जाती है। होल्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक कब से कब तक पिलाई जाएगी? होल्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक पिलाई जाएगी। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाएं। नंबर 1 है समाचार पत्रों से सूचना देकर, दूसरा है टीवी रेडियो में प्रसारण करके, तीसरा है पोस्टर बैनर लगा के, और चौथा है इंटरनेट मीडिया के माध्यम से। अब लास्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, ये समाचार पत्रों के नाम हैं और उपयोगी हमारे लिए इसलिए हैं, समाचार पत्र से हमें देश विदेश की खबरें मिलती हैं, सामान्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके बच्चों, ये पाठ आपका पूर्ण हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको सारे पाठों का, सारे विषय का आंसर मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।